प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले के दरगुआ गांव में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने भाजपा युवा मोर्चा की टीम के साथ हरा भरा मध्य प्रदेश बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। वृक्षारोपण के पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दरगुआ ग्राम स्थित पारसनाथ जैन मंदिर में भगवान पारसनाथ के दर्शन किए एवं प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। मंदिर समिति एवं गांव के सरपंच द्वारा केंद्रीय मंत्री का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा हरा भरा प्रदेश बनाने के लिए मंदिर परिसर में गांव की महिला सरपंच, बीजेपी जिला अध्यक्ष अमित नूना एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी मंदिर परिसर में पौधरोपण किया। नरेंद्र मोदी जी का परसों जन्म दिवस था और जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण है, स्वच्छता अभियान है, सेवा कार्य है और विभिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से इसमें समाज की सहभागिता जोड़ते हुए, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन जैसे बाकी लोग मनाते हैं वैसे मनाने विश्वास नहीं करते, बल्कि उस दिन भी जन्मदिन के दिवस पर भी उन्होंने करहल में जाकर श्योपुर जिले में वहां जाकर और हमारे देश से चीते विलुप्त हो गए थे, 70 साल से हमारे चीते नहीं थे, नामीबिया से लाकर वहां पर न केवल चीते छोड़े गए जो पर्यावरण की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति पूरक है और जहां एक और वनों का हमारे जीवन में काफी महत्व है, वनों के अंदर कटाई होने से, पहाड़ों के खनन होने से आज प्रकृति में जो हम तरह तरह के दृश्य देख रहे हैं कि समय पर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड कम पड़ती है, उससे सामान्य जनजीवन जो है ना काफी अस्त व्यस्त होता जा रहा है। इस पर्यावरण संतुलन को संरक्षित रखने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में जो वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है, दरगुआती सह क्षेत्र के इस पावन स्थली पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी बंधुओं के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहां पर युवा मोर्चे के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर किया गया।